अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अफराज सियाग हूँ और आज हमने इस वीडियो के अंदर एक सॉसर या पिरिच बनानी है और ये हम बनाएंगे इंकस्केप के अंदर। इसको बनाते हुए हम जो कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे होंगे या काम कर रहे होंगे वो हमारे पास होगा रेडियल ग्रेडियंट। चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इंकस्केप में फाइल पर क्लिक करके न्यू फाइल ओपन करनी है। न्यू फाइल ओपन करने के बाद हम व्यू को प्रॉपर करने के लिए जूम के बटन पे क्लिक करते हैं और फिर हमारे पास होता है यहाँ पे जूम टू फिट पेज इन विंडो, इसको क्लिक करते हैं ताकि हमारे पास पेज पूरे कैनवास के ऊपर लोड हो जाए। अब इसके बाद हमें पेज बनाने के लिए एलिप्स टूल का यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे एलिप्स टूल को सिलेक्ट करते हैं। एलिप्स टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है और इस वक्त इसका जो कलर है वो ग्रेस है, जो इस वक्त करंटली मेरे पास फिल एंड स्ट्रोक का कलर सेट हुआ हुआ है। अब हम इसके साइज़ को ज़रा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। लेट्स से इसको मैं ज़रा सा और चिपटा कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैंने इसके कलर को सेट करना है, तो कलर को सेट करने के लिए पहले मैंने इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लिया, फिर फिल एंड स्ट्रोक के पैनल पे क्लिक करके इसको व्यू करवाया। मैं इसके अंदर जो कलर फिल करना चाहता हूँ वो रेडियल ग्रेडियंट है, तो इसके लिए मैंने रेडियल ग्रेडियंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रोक भी सेट हुआ है, इसको मैं यहाँ पे एम्प्टी कर रहा हूँ और फिल में जो है मैंने यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैंने इसके ग्रेडियंट्स के कलर को चेंज करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ से एडिट पाथ टूल को सिलेक्ट किया। एडिट पाथ बाय नोड्स को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास एलिप्स जो है वो बड़ा लाइट सा नज़र आ रहा है और इसमें ये दो पॉइंट्स हैं जिनमें हम जो है कलर डिफाइन करते हैं, तो इसमें से मैंने इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका कलर जो है वो रखता हूँ DDDDDFF, तो उससे मेरे पास ये वाला कलर इसका सेट हो गया। अब इसके इस वाले पॉइंट का मैं कलर जो है वो सेट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी B2BFF। तो इस तरीके से मेरे पास ये एक एलिप्स के ऊपर ये कलर जो है वो सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पे आके इसका नाम सेट कर लेता हूँ। इस वक्त देख सकते हैं मेरे पास लेयर वन है, इसमें मेरे पास इस वाले एलिप्स का जो नाम है वो पाथ 3245 है। मैं इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका नाम रखता हूँ ताकि जब मुझे इसको यूज़ करना हो तो मैं उसको पहचान सकूँ कि इसका नाम क्या है। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो इसका नाम, इसका जो नेम है वो एडिटेबल हो गया। इसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पर एलिप्स वन। अब मुझे पता होगा कि एलिप्स वन जो है वो ये वाली एलिप्स होगी। अब इसके बाद मैं एक और एलिप्स बनाता हूँ, तो एक और एलिप्स जो है वो मैं इसी की मदद से बना रहा हूँ। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डुप्लीकेट होने से दो ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं और दोनों का नाम सेम है, क्योंकि आपने इसका नाम जो है वो एलिप्स 01 रखा था। इसी तरीके से अगर दूसरा एलिप्स बना उसका भी नाम एलिप्स 01 है। मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। मैंने इस पर डबल क्लिक किया और 01 की जगह उसको मैंने 02 कर दिया ताकि मुझे पता हो कि ये पहली वाली एलिप्स ये है, दूसरी एलिप्स ये है। मैंने इसका नाम चेंज कर लिया, इसका नाम रखा है मैंने एलिप्स 02। अब मैंने इसका कलर चेंज करना है। इसका कलर चेंज करने के लिए मैं फिल एंड स्ट्रोक पे आऊँगा। फिल एंड स्ट्रोक पे आने के बाद मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया एडिट पाथ नोड्स, जिससे मेरे पास ये वाला कंट्रोल नज़र आ रहा है। इसमें ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है।
मैं सेंटर पॉइंट का कलर चेंज करता हूँ। सेंटर पॉइंट का कलर मैं यहाँ पे मैं इसको सॉलिड कलर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने सिलेक्शन टूल से उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे फ्लैट कलर्स को सिलेक्ट किया, और फ्लैट कलर को सिलेक्ट करने के बाद मैं एक लाइटर कलर इसमें प्लेस करता हूँ, और लाइटर कलर की जो मैं वैल्यू यहाँ पे रखने लगा हूँ वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ F2 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 डबल F। अब आप ये देख सकते हैं कि ये वाला एलिप्स जो है वो लाइटर हो गया। इसको बनाने का मकसद ये है कि मैं पीरियड की बाउंड्री को जो है वो लाइटर कलर से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पास अगर दो एलिप्स हैं तो इस वक्त एक ही एलिप्स जो है वो विजिबल है, दूसरा एलिप्स विजिबल नहीं है क्योंकि उसके बैक साइड पर है। मैंने एक काम तो ये करना है कि इसको मूव करना है डाउनवर्ड, तो मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो नीचे मूव किया। इसके बाद मैं इसको बैक साइड पे लेकर जाना चाहता हूँ ताकि ये दूसरी वाली जो एलिप्स था उसकी बाउंड्री के तौर पे बिहेव कर रहा हो, तो उसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे मेरे पास ये बटन है लोअर सिलेक्शन टू बॉटम, इसको मैंने क्लिक क्लिक किया तो ये मेरे पास बॉटम भी चला गया। अभी आप और से देखेंगे तो ये आपको बाउंड्री नज़र आ रही होगी, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ। अभी आप ये देखेंगे तो ये आपको लाइटर कलर होने की वजह से वाइट और इसके दरमियान में आपको डिफरेंस नहीं फील हो रहा, लेकिन ये इस वाले एलिप्स के अंदर एलिप्स के साथ जो है उसकी बाउंड्री के तौर पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम एक और एलिप्स बनाते हैं, तो एक और एलिप्स बनाने के लिए मैं इसी एलिप्स को सिलेक्ट करता हूँ, एलिप्स टू को, और इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस किया जिससे ये मेरे पास डुप्लीकेट हो गया। और डुप्लीकेट करने के बाद अब मैं ये करता हूँ कि बाकी दो एलिप्सिस को जो है वो मैं लॉक कर लेता हूँ ताकि मैं जो भी काम परफॉर्म करूँ दूसरों के एलिप्स के ऊपर परफॉर्म ना हो। इसके बाद मैं इसका एक तो नाम चेंज करता हूँ, ये मेरे पास एलिप्स 3 हो गई। और अब मैं इसके कलर वाला चेंज करने लगा हूँ, तो अब इसके मैं कलर चेंज करता हूँ तो यहाँ पे फिल एंड स्ट्रोक पे आया के अंदर मैंने फिल में रेडियल ग्रेडियंट को सिलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ पे आके एडिट पाथ बाय नोड्स को सिलेक्ट किया, और इसके बाद मैं इसके सेंटर पॉइंट और आउटर पॉइंट पे कलर जो है वो चेंज करने लगा हूँ। सेंटर पॉइंट का जो कलर है वो मैं रखता हूँ यहाँ पे 2B 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 FF। और इसके बाद इसके आउटर का मैं कलर यहाँ पे रखने लगा हूँ, तो उसके लिए मैंने आउटर पॉइंट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसके RGBA कोड को चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ 6666666FF। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मेरे पास एलिप्स है ये डार्क हो चुका है। इसमें एक काम मैंने ये करना है कि इसको मैंने बैक साइड पे लेके जाना है, तो बैक साइड पे लेके जाने के लिए मैंने इसको सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया, और उसके बाद लोअर सिलेक्शन टू बॉटम को क्लिक किया जिससे मेरे पास बैक साइड पर आ गया। अभी जो आपके पास ये एलिप्स है ये बिल्कुल बैक साइड पर चला गया, आपको विजिबल नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव करता हूँ, तो मैंने एलिप्स को जो है वो सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा डाउनवर्ड मूव किया। अब ये आप देख सकते हैं कि अब आपको ये तीन एलिप्स लेयर की जो है वो नज़र आ रही हैं। मैंने ये वाली जो एलिप्स है इसको ज़रा विड्थ वाइज स्मॉलर रखना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करते हुए इसके साइज़ को रिड्यूस किया, तो अब ये ज़रा आपको लग रही है कि हमारे पास इस वाली पीरियड्स की बेस बन गई है। हमारे पास ये तीन इलिप्सिस पे काम हो चुका हुआ है। अब मैं यहाँ पे इनर साइड पे एक इलिप्स प्लेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में आके जो मेरे पास इलिप्स 3 है इसको मैं लॉक कर लेता हूँ। इलिप्स 1 जो कि टॉप वाली इलिप्स है इसको अनलॉक करता हूँ,
अनलॉक करने के बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस करके इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया, और डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे दूसरी लिप्स के साथ कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका नाम मैंने लिप्स 4 रख लिया। अब इसको जो है मैंने इसका साइज़ जो है वो स्मॉलर करना है, तो मैं इसके एक कॉर्नर वाले कंट्रोल पॉइंट को सेलेक्ट करके शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करते हुए मैं यूनिफॉर्मली इसका साइज़ जो है वो रिड्यूस कर रहा हूँ, और इतना मुनासिब साइज़ मैंने इसका रिड्यूस कर लिया ताकि जो पेज के दरमियान में जो एक ओवल शेप या सर्कल होता है उस तरह का व्यू मुझे यहाँ पे नज़र आए। इसके बाद उसको थोड़ा सा जो है वो मैंने डाउनवर्ड मूव कर लिया। अब ये काफ़ी हद तक जो है वो एक विलेज का इफेक्ट इसमें आना शुरू हो गया। अब मैंने इसमें कलर की सेटिंग करनी है। कलर की सेटिंग करने के लिए मैं फिल एंड स्ट्रोक पर आया। यहाँ पे आके मैंने फ्लैट कलर को सेलेक्ट किया। फ्लैट कलर को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें कलर चेंज कर रहा हूँ, और वो कलर की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 9797 FF। तो इससे काफ़ी इसकी जो बेस है या इसका इनर जो इलिप्स है वो डार्क हो गया है। और इसके बाद मैं इसके स्ट्रोक के कलर को जो है वो भी प्लेस करना चाह रहा हूँ। तो स्ट्रोक का कलर को मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ B7 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 FF। और इसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक स्टाइल में आके मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ ताकि इसके जो ओके पास जो इसका आउटर बाउंड्री है वो थोड़ी सी विजिबल हो जाए। ये थोड़ा सा ऐसा शेडो इफेक्ट कैरी करता है जिससे इम्बोज इफेक्ट कह रहे होते हैं, यानी कि आपको लगता है कि ये 3D की फॉर्म में ये इनर पोर्शन है और इसकी आउटर पे आपके पास ये वाला जो सॉसर है उसकी लेयर है। अभी हमारी पिलेट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक शेडो इफेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ, जिसके लिए मैं एक और एलिप्स बनाऊंगा और उस एलिप्स को मैं ब्लर कर दूंगा जो मुझे यहाँ पे शेडो इफेक्ट क्रिएट करके देगा। इस मकसद के लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में आता हूँ। ऑब्जेक्ट में आके मैंने यहाँ पे लेयर 3 को जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट किया, और इसके अलावा एलिप्स 3 को सेलेक्ट किया, और इसके अलावा जो यहाँ पे मेरे पास बाकी शेप्स हैं इनको मैंने जो है वो लॉक कर लिया ताकि इनके ऊपर कोई इफेक्ट क्रिएट ना हो। और इसके बाद जो एलिप्स 3 है वो मुझे पता है कि ये जो डार्क किस्म की लिप्स थी बैकग्राउंड में वो हमने बनाई थी, तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये मेरे पास डुप्लीकेट हो गया। अब मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ। इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ एलिप्स 05। और इसके बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं यहाँ पे शेडो इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। शेडो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे फिल एंड स्ट्रोक में आएंगे। फिल एंड स्ट्रोक में आके आपने फिल में आना है, और उसके बाद आपने इसमें ब्लर इफेक्ट जो है प्लेस करना है। अभी आप देखें कि मैंने इसमें ब्लर इफेक्ट को ये वैल्यू को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो ये आपके पास जो है वो ब्लर जो है वो काफ़ी फैलता जा रहा है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 20। इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पे 20। तो ये काफ़ी अच्छा ब्लर सा हो गया, लेकिन ये अभी जो ब्लर इफेक्ट है ये आपकी सॉसर या पेज के ऊपर भी जो है वो व्यू हो रहा है। इसको मैंने अब बैक साइड पे लेके जाना है ताकि इस सॉसर का वो शेडो का इफेक्ट क्रिएट करे। इस मकसद के लिए मेरे पास इस वक्त सिलेक्शन टू सिलेक्टेड है। ये मेरे पास एक ऑप्शन है लोअर सिलेक्शन टू बॉटम, इसको मैं क्लिक करूँगा तो अब मेरा जो शेडो है वो इस तमाम के बैक पे चला गया। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी जो पिरच है उसका बैक पे शेडो भी क्रिएट हो चुका है। हमारे पास यहाँ पे पिरच बनाने के स्टेप मुकम्मल हो गए हैं। फाइनलाइज करने के लिए हम इन सारे जो लिप्स हैं इनको सेलेक्ट करते हैं। अभी क्योंकि मेरे पास लिप्स जो हैं वो लॉक हुए हुए हैं, तो मैं इनको अनलॉक करता हूँ।
और अनलॉक करने के बाद अब मैं इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इनको ग्रुप करना है, तो ग्रुप करने के लिए आप कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, और अगर कंट्रोल जी याद ना रहे तो आप यहाँ पे मेन मेन्यू की बार पे यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट में ऑप्शन होता है ग्रुप का, आप इसको क्लिक करके भी इसको ग्रुप कर सकते हैं।